हेलो फ्रेंड्स, और मैं आज जा रहा हूँ आप लोगों को साथ में लेके एक बहुत ही फेवरेट प्लेस मेरा, जो है तारकेश्वर, जो कि मेरा सबसे प्यारा भगवान महाराज शिव जी वहाँ पे रहता है। तो मैं उसी का दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ और वहाँ का माहौल रास्ता कैसा है आप लोगों को शेयर करूँगा। तो चलिए मेरे साथ और देखते रहिए आगे आगे क्या हो रहा है। ट्रेन पकड़ के शावरा फुली, जो कि मेरा डेस्टिनेशन, अभी का डेस्टिनेशन। अभी मैं जा रहा हूँ हावड़ा स्टेशन, उसके बाद ट्रेन पकड़ के जाऊंगा शावरा फुली। फ्रेंड्स, मैं इस ब्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगा तारकेश्वर जर्नी कैसा है और कितना सारा लोग जाता है बाबा के दर्शन के लिए, और रास्ते पे क्या क्या है वो भी आपसे शेयर करूंगा। अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ पे हावड़ा स्टेशन के एकदम सामने ही खड़ा हूँ। तो मैं यहाँ से अभी स्टेशन के अंदर जाऊँगा और जाने के बाद वहाँ से ट्रेन पकड़ के सीधा जाऊँगा शावरापुर। मैं हर साल ही जाता हूँ, लेकिन लॉकडाउन की वजह से साल नहीं गया, मतलब 2 साल तो नहीं गया। तो ये सावन महीने का आखिरी संडे है, तो इसके बाद ख़त्म हो जाएगा। और एक चीज़ है, यहाँ पर बहुत भीड़ है, बहुत बहुत भीड़, मतलब सब जा रहे हैं तारकेश्वर बाबा के दर्शन। चलिए जाने के लिए तारकेश्वर लोकल आ गया है, और देखिए बाबा का सारा भक्त कितना आनंद से ट्रेन में चल रहा है। ट्रेन के अंदर बैठने का जगह नहीं है, इतना भीड़ है, और पीछे बाबा का जो स्लोगन वो चल रहा है। देखिए मेरा हालत कैसा है। बहुत ही भीड़ है यहाँ पे, मतलब देखिए कितना सारा लोग आया हुआ है। इधर आप देख सकते हो कि टोटल ही ये टोटल एकदम फुल है। अरे मुझे इतना मतलब तकलीफ हुआ उधर से आने के लिए। अमेजिंग अमेजिंग। हालत एकदम खराब है। मैं अभी जो जहाँ पे आए हूँ, मैं अभी जहाँ पे खड़ा हूँ, यदि कि यहाँ पे मिट्टी का जो लोटा होता है वो यहाँ पे सेल होता है, बहुत ही अच्छी है। तो इसके साथ मैं ये खरीद रहा हूँ, इसको लेके मैं गंगा में जाऊँगा, उसके बाद दिखा रहा हूँ क्या करूँगा।
लोटा में गंगा से पानी भरने के बाद सभी यहाँ पे अपना अपना लोटा को सजाता है। देखिए यहाँ पे भी कितना भीड़ है। इसके बाद यहाँ से सब पैदल चल के जाएगा तारकेश्वर मंदिर। और फ्रेंड्स, मेरा पानी भी मैंने भर लिया है। ये पानी लेके मैं जाऊंगा सीधा बाबा का मंदिर। तो चलिए मेरे साथ, अब देखिए पीछे कितना भीड़, सब जा रहे हैं। चलते चलते रास्ते पे काली माँ का भी दर्शन हो गया। देखिए यहाँ पे सारे भक्त सेल्फी ले रहे हैं। बाबा पार करेगा। देखिए सभी यहाँ पे जा रहे हैं बाबा के पास अपना अपना मनोकामना पूर्ण करने के लिए। भोले बाबा पार करेगा, भोले बाबा पार करेगा। देखिए यहाँ पे सभी मज़े कर रहे हैं क्योंकि बाबा के पास जा रहे हैं। और एक ख़ास बात है, ये सावन महीना में रास्ते के दोनों तरफ बहुत सारा स्टॉल ऐसा बैठता है जहाँ पे खाना पानी सबको मिलता है, और वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। कोलकाता से भी बहुत सारा एनजीओ क्लब यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट खाना डिस्ट्रीब्यूट करता है। रास्ते के दोनों तरफ डीजे चल रहा था, फंक्शन हो रहा था, माहौल बहुत ही अच्छा था। क्या बताऊँ आप लोगों को। अभी मैं पहुंच गया हूँ डकैत कालीवाड़ी। यहाँ पे भी सब माँ काली को पानी डालते हैं। मैंने माँ को पानी डाल दिया और इसके बाद मैं पूरी और दाल खा लिया क्योंकि मुझे बहुत ही भूख लगा था। डकैत कालीबाड़ी से निकल के
मैं भी सीधा जा रहा हूँ काशी विश्वनाथ मंदिर, वहाँ से फिर जाऊँगा बाबा के मंदिर। सुबह से पैदल चलना स्टार्ट किया था और अभी शाम हो गया, तो आगे जा रहा हूँ, देखता हूँ आगे और क्या क्या देखने को मिलता है। अभी रात को 9 बजे है और देखिए कितना यहाँ पे मतलब भीड़ है। मैं अभी भी पैदल ही चल रहा हूँ, बाबा को ही पता है पहुँच पाऊँगा कि नहीं पाऊँगा, क्योंकि कोशिश कर रहा हूँ पहुँचने के लिए, क्योंकि मैं पहले भी जा चुका था। धीरे धीरे चलते चलते सबका थकान मैं देख पा रहा था और मुझे भी थकान हो रहा था, कि सुबह से मैं चलना स्टार्ट किया। रास्ते के दोनों तरफ कुछ ऐसा है, बैठ गया था और आगे और भी रास्ता बाकी है, तो चलिए। घड़ी में टाइम 2 बज गया था, लेकिन यहाँ पे देख के पता ही नहीं चल रहा था कि अभी रात को 2 बजे। और फ्रेंड्स, सामने काशी विश्वनाथ मंदिर आ गया है। मैं बहुत ही टायर्ड हूँ और सामने बहुत सारा लोग जा रहे, तो वही सोच रहा हूँ कैसे पहुँचूँ, मुझे बहुत ही थकान महसूस हो रहा है। चलिए तो दिखा रहा हूँ काशी विश्वनाथ मंदिर कैसा है। काशी विश्वनाथ मंदिर के सामने बहुत ही भीड़ था और अंदर और भी भीड़ है। मैं फिर भी अंदर जा रहा हूँ, देख रहा हूँ कि यहाँ का माहौल कैसा है। हेलो फ्रेंड्स, अभी अर्ली मॉर्निंग 4 AM है, 4 बज गया है। एट लास्ट फाइनली मैं पहुंच गया बाबा का मंदिर का द्वार, बाबा के मंदिर के सामने तारकेश्वर मंदिर। तो चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ कैसा है। मेरा हालत बहुत ही ख़राब है, फिर भी बाबा के पास आया हूँ तो सब दूर हो गया। देखिए
फ्रेंड्स, मेरा दर्शन हो गया और तारकेश्वर ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करने जा रहा हूँ। बहुत ही टायर्ड हूँ, अभी घर जाऊँगा। आज के लिए इतना ही। तो मेरा ब्लॉग मैं यही ख़त्म करने जा रहा हूँ। टाटा, बाय बाय, हर हर महादेव, जय भोले बाबा।